अभिषेक कपूर ने चार्ल्स डिकेंस के क्लासिक उपन्यास ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पर फितूर बनाई है। अक्सर देखा गया है कि उपन्यास को फिल्म में परिवर्तित करने पर बात अपना असर खो देती है। अभिषेक कपूर की फितूर के साथ यही हुआ है। उपन्यास का भारतीयकरण किया गया है और कहानी को कश्मीर में सेट किया गया है। कहानी है नूर की, जिसने बचपन में फिरदौस को देखा तो बस देखता ही रह गया। फिरदौस की माँ बेगम हजरत नूर की आंखों में इश्क को पढ़ लेती है। वह अपनी बेटी को लंदन पढ़ने भेज देती है। नूर एक कलाकार है, वह दिल्ली जाकर अपनी कला को निखारता है। वर्षों बाद उसकी मुलाकात युवा फिरदौस से होती है। अभी भी फिरदौस का वह उतना ही दीवाना है जितना बचपन में था। नूर के इश्क के बारे में फिरदौस जानती है, लेकिन वह उसे न हाँ कहती है और न ही ना। बेगम का भी अतीत है, जब वह युवा थी तब उसके प्रेमी ने उसे धोखा दे दिया था। वह फिरदौस का इस्तेमाल कर नूर को दर्द देना चाहती है। स्क्रिप्ट इस तरह लिखी गई है कि इश्क का फितूर नजर नहीं आता। इश्क की जो तीव्रता फिल्म में होनी थी वो नदारद है, इसलिए तीन चौथाई फिल्म सपाट लगती है। फिरदौस का किरदार कंफ्यूजन पैदा करता है। उसकी कभी भी नूर के प्रति चाहत नहीं दिखती और न ही यह बात स्पष्ट हो पाती है कि वह नूर के दिल से खेल रही है। बेगम का जब अतीत दिखाया जाता है तो कुछ बातें स्पष्ट होती है, लेकिन ये बताने में निर्देशक और लेखक ने काफी देर कर दी। निर्देशक के रूप में अभिषेक कपूर ड्रामे में उतार चढ़ाव लाने में असफल रहे हैं। उन्होंने कहानी को कश्मीर में अच्छा सेट किया, माहौल तैयार किया, लेकिन कलाकारों से अभिनय नहीं निकलवा पाए। साथ ही उनके प्रस्तुतिकरण में स्पष्टता नहीं है। फिल्म की शुरुआत जरूर अच्छी है, लेकिन बाद में लंबे समय तक यह ठहरी हुई और उदास लगती है। आदित्य राय कपूर और कैटरीना कैफ फिल्म की कमजोर कड़ी साबित हुए। फिरदौस के किरदार की डिमांड थी हीरोइन का खूबसूरत होना। कैटरीना इस पर भले ही खरी उतर गई हों, लेकिन अभिनय के मामले में वे कमजोर साबित हुईं। कई महत्वपूर्ण दृश्यों में उनका चेहरा भावहीन रहा। आदित्य राय कपूर कहीं से भी कश्मीरी लड़के नहीं लगे, बल्कि वे मेट्रो सिटी में रहने वाले लगते हैं। अपने अभिनय से भी वे इन कमियों को छिपा नहीं पाए। हालांकि उनकी कोशिश पर संदेह नहीं है, लेकिन बात नहीं बन पाई। हैदर में तब्बू ने कुछ इसी तरह की भूमिका निभाई थी और फितूर में उसका यह विस्तार है। उन्होंने एक बार फिर बेहतरीन अभिनय किया है। अदिति राव हैदरी संक्षिप्त रोल में है और कई लोग तो जान भी नहीं पाएंगे कि वे युवा तब्बू के किरदार में है। फितूर के साथ दो बड़ी समस्याएं हैं, पहली स्क्रिप्ट और दूसरी फिल्म के लीड कलाकारों का अभिनय। ड्रामे में कंफ्यूजन और मुख्य कलाकारों के कमजोर अभिनय के कारण फितूर निराश करती है। इस फिल्म को मैं 5 में से 2 स्टार देता हूँ।